बारिश और बर्फबारी के चलते श्रीमान अमित शाह जी का जो जहाज है यहाँ उतरने की स्थिति में नहीं है। बार बार प्रयास हो रहा है कि माननीय गृह मंत्री जी के जहाज की लैंडिंग रजौरी में हो, लेकिन आप स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ कल रात से ही भारी बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते शायद जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं उन्होंने अभी यहाँ लैंडिंग के लिए असमर्थता जताई है। अभी भी माननीय गृह मंत्री जी इस प्रयास में हैं कि वो ढांगरी जहाँ आतंकी हमला हुआ था 1 जनवरी को, यहाँ वो लैंड करें रजौरी में, परंतु मौसम यहाँ बहुत अधिक खराब हो रहा है। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते यहाँ लैंड करना अभी संभव नहीं है। बार बार प्रयास हो रहे हैं पायलट की ओर से, परंतु अगर किसी कारणवश फिर भी लैंडिंग नहीं हो पाती है तो व्यक्तिगत परिजनों से जो इस आतंक पीड़ित परिवार है उनसे माननीय गृह मंत्री जी व्यक्तिगत बातचीत करेंगे और उनके जो भी यहाँ के लोगों के कंसर्न्स हैं उसके लिए स्वयं माननीय गृह मंत्री जी बहुत उन्होंने त्वरित कार्रवाई भी की है। आपने देखा सारे क्षेत्र में ऑटोमेटिक वेपन्स VDCs के मेंबर्स को दिए गए, जो यहाँ के पूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन जो भारतीय सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस के रिटायर जवान हैं उनको ऑटोमेटिक वेपन्स दिए गए हैं। 18 CRPF की कंपनीज को रजौरी पुंछ में डिप्लॉयड किया गया है। इसके साथ साथ BSF को इस सारे क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए डिप्लॉयड किया गया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो एडिशनल ट्रूप्स यहाँ रजौरी पुंछ में डिप्लॉयड किए गए हैं, ये सभी मिलकर जॉइंट पेट्रोलिंग भी करेंगे, जॉइंट ऑपरेशंस करेंगे और इंटीग्रेटेड जो इंटेलिजेंस है वो आपस में शेयर करेंगे और जो भी साजिश होगी उसका डटकर मुकाबला आतंकवादी अभी भी फरार है। और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब सुबह दिल्ली से जो मौसम खराब होने के बावजूद वो जम्मू पहुंचे हैं, परंतु जम्मू